बाल विकास परियोजना एवं विकासखंड हमीरपुर के संयुक्त तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण एवं पोषण अभियान के अंतर्गत बचत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर विकास खंड के 102 स्वयं सहायता समूहों तथा 119 महिला मंडलों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाकर इससे स्वरोजगार के रूप में अपना सकती हैं। अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करें तथा कारोबार को निरंतरता प्रदान। उन्होंने कहा कि लोग स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को अधिक पसंद करते हैं, इसलिए महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादों को बड़े पैमाने पर तैयार कर उनमें गुणवत्ता लाने का प्रयास करें। इससे लोगों का स्वयं सहायता समूहों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आचार, मुरब्बा, चटनी, मसाले, वड़ियां, सेवइयां, सीरा तथा अन्य स्थानीय उत्पादों के साथ साथ डेयरी फार्म, मधुमक्खी पालन, रेशम कीटन पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्यों को भी शामिल करें। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों के लिए विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में सीआईडी सोलन इकाई का कार्यालय का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ डीएसपी खजान सिंह ने किया। डीएसपी का सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि काफी वर्षों से ये कार्यालय मात्र एक कमरे में चल रहा था, जिसके चलते कर्मचारियों को कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यही वजह थी कि कर्मचारी पिछले काफी समय से नए कार्यालय की मांग कर रहे थे, जिसको जिला प्रशासन ने पूरा किया है। डीएसपी खजान सिंह ने बताया कि काफी वर्षों से छोटे से कमरे में सीआईडी कार्यालय चल रहा था, जिसकी वजह से कई बार गोपनीयता भी भंग होने की आशंका रहती थी। अगर कुछ लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता तो बैठने के लिए काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब विभाग के पास नए कार्यालय में काफी स्थान है, जिसकी वजह से अब कर्मचारी अपने कार्य को और अच्छे तरीके से व गोपनीय ढंग से कर पाएंगे। नगर परिषद सोलन व रोटरी क्लब सोलन ने जल शक्ति अभियान के तहत पेंटिंग, स्लोगन और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर परिषद हॉल में किया। इसमें तीसरी से बारहवीं कक्षा के छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने किया। कार्यक्रम के दौरान जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद ना करो पानी हूँ मैं विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता में सुजीता ने जल संरक्षण का संदेश दिया, जिसे उपस्थित लोगों ने भी बेहद पसंद किया। इस दौरान विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों ने जल संरक्षण की शपथ भी ली। वहीं प्रतियोगिता में सबसे सुंदर चित्र बनाने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत भी किया गया। रोटरी क्लब के प्रधान मनीष तोमर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए छात्राओं को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जल संरक्षण पर नारा लेखन, पेंटिंग, स्लोगन और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने जल संरक्षण का संदेश देने वाले पोस्टर बनाए तो आकर्षक स्लोगन भी लिखे। हिमाचल प्रदेश राजकीय रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नियर चौक में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर शिक्षा संस्थान के परिसर को हरा परिसर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए पहल मेडिकल कॉलेजों से की गई है। उन्होंने कहा कि हरित हिमाचल, स्वच्छ हिमाचल और स्वस्थ हिमाचल बनने के प्रयास को आगे बढ़ाने में सभी अपना योगदान करें। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज परिसर में देवदार का पौधा लगाया। वहीं बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी अर्जुन का पौधा लगाया। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य मेहमानों व कॉलेज प्रबंधन एवं बच्चों ने परिसर में देवदार, भेड़ा, आंवला और जामुन के लगभग 100 पौधे रोपित किए।
कमलोटा पंचायत के तहत गांव धनोट को जाने वाले रास्ते को एक महिला द्वारा बंद किए जाने को लेकर उक्त पंचायत के लोगों ने प्रधान अजय कुमार की अगुवाई में डीएसपी ज्वाला जी तिलकराज से मुलाकात की और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। पंचायत के लोगों का आरोप है कि गांव की एक महिला द्वारा इस रास्ते में ट्रॉली से पत्थर फेंककर बंद कर दिया गया है, जिससे यहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। गांव के लोगों का आरोप है कि धनोट के लिए ये रास्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन इस सरकारी रास्ते को अब रोक दिया गया है। लोगों ने डीएसपी ज्वाला जी तिलकराज को बताया कि रास्ता रोकने के बाद उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने में भी की थी। लोगों का कहना है कि इस बीच पुलिस भी मौके पर जगह का मुआयना करने पहुंची थी और तहसीलदार व कानगो की अगुवाई में ये पाया गया कि गांव की जिस एक महिला द्वारा ये रास्ता रोका गया है वो सरकारी है। इसके बाद उक्त सभी की मौजूदगी में रास्ते को खोल दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई के बाद 7 अगस्त को उक्त महिला ने 3:15 बजे के करीब ये ट्रॉली से पत्थर मंगवा कर दोबारा इस सरकारी रास्ते को बंद कर दिया। लोगों ने डीएसपी को बताया कि रास्ता बंद होने के चलते ग्रामवासियों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने आग्रह किया कि इस रास्ते को बंद करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। साथ ही गांव वालों ने चेताया कि यदि गांव का एकमात्र रास्ता बंद होने के चलते यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।